महाराष्ट्र में अवैध तरीके से रह रहे विदेशी नागरिकों पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार अब अलर्ट हो गई है। महाराष्ट्र में डिटेंशन सेंटर खोले जाने पर विचार चल रहा है। अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि पुलिस विभाग ने राज्य में अधिक समय तक रहने वाले अवैध विदेशियों के लिए एक डिटेंशन सेंटर स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ एक प्रस्ताव पेश किया है। ये जानकारी समाचार एजेंसी पीटीआई द्वारा दी गई। अधिकांश विदेशी नागरिक ऐसे हैं जो अपना वीजा खत्म होने के बावजूद देश में रहते हैं। इनमें से ज्यादातर अफ्रीकी महाद्वीप के गरीब देशों और पड़ोसी बांग्लादेशी भी हैं। एक अधिकारी ने कहा कि उनमें से कई नशीली पदार्थों की तस्करी के गिरोह और अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि दूसरी बार है जब पुलिस ऐसे लोगों के लिए डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इस मुद्दे को लेकर 3 साल पहले सरकार के स्तर पर चर्चा हुई थी, जब नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CCA और NRC को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। अधिकारी ने कहा कि अब डिटेंशन सेंटर स्थापित करने के लिए प्रस्ताव के साथ पुलिस ने स्थान की पहचान कर ली है। सेंटर को मंजूरी देने के लिए सरकार की अंतिम मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारी ने समाचार एजेंसी को बताया कि कई बार कुछ देशों के विदेशी नागरिक, पर्यटक, छात्र, चिकित्सा और व्यवसायिक वीजा पर मुंबई में आते हैं। हालांकि उनमें से ज्यादातर व्यवसायी करने की आड़ में ड्रग्स सिंडिकेट और साइबर धोखाधड़ी में शामिल होते हैं। उन्होंने कहा कि 7,000 से अधिक अफ्रीकी, जिनमें से ज्यादातर नाइजीरिया से हैं, वर्तमान में उचित दस्तावेजों के बिना मुंबई और अन्य शहरों में घूम रहे हैं। उनमें से कई मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र MMR में, नवी मुंबई, मीरा रोड और वसई के कुछ हिस्सों और अन्य राज्यों में रह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।